ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ବିଜେପି ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରର ପ୍ରତିଫଳନ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ ହେବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ। मेरी सरकार उड़ीसा में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रही है, जिसमें सभी उड़ीसा निवासियों जो पात्र हैं उनके लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है, जिससे लाभार्थियों की वित्तीय सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच होती है। धानो क्विंटल 3100 टका सुभद्रा योजना लागू, सब गांव को पक्का रास्ता, सब घर को शुद्ध पानी जल जोगाइबा को प्रतिश्रुति देछंती सरकार। नवगठित सप्तदश विधानसभा प्रथम अधिवेशन अभिभाषण ने नुआ आधुनिक और विकसित ओडिशार चित्र देखाई राज्यपाल। गरीब महिला कृषक और युवकों विकास पर लंबा खसड़ा प्रस्तुत कर राज्य सरकार। महिला भूमिहीन कृषक मान प्रोत्साहित करे सरकार। बलांगीर, कलाहांडी, बरगढ़ और नुआपड़े 10 जलसेचन प्रकल्प को संपूर्ण कर भारत में ओडिशा हेब बाजरा हब। पुष्टिहीनता मुकाबला लगी बाजरा जातीय शस्य उत्पादन और व्यवहार वृद्धि नियाजिबो पदक्षेप। सरकारी क्यांटीन और विद्यालय में बाजरा प्रचलन पदक्षेप नियाजिबो। 2027 सुधा राज्य पुष्टिहीनता ह्रास करने लक्ष्य धार्य करा देछि। खूब शीघ्र ओडिशा रे कार्यकारी हेब ग्रीन इंडस्ट्रियल पॉलिसी। वैद्युतिक जानवाहन व्यवहार वृद्धि प्रोत्साहन 4 और 6 चकिया जान में सब्सिडी देबे सरकार। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप मेरी सरकार एक विकसित उड़ीसा के महत्व को पहचानती है। मेरी सरकार श्री जगन्नाथ संस्कृति और उड़ीसा अस्मिता के महत्व को स्वीकारती है। 3100 रुपये प्रति क्विंटल के दर से धान की खरीद की जाएगी। मेरी सरकार ने वर्ष 2027 तक कुपोषण को वस्तुतः कम करने का लक्ष्य रखा। उपकूल अंचल में बात्या प्रभाव कमाइबा को सरकार आरंभ करेंगे 480 किलोमीटर समुद्र उपकूल में वनीकरण कार्यक्रम। यासह प्रधानमंत्री आवास योजना रे ग्रामांचल में 10 लक्ष, सहरांचल में 5 लक्ष घर करने को लक्ष्य रखिछंती सरकार। अंगनवाड़ी गुड़ी को 2030 सुधा सक्षम अंगनवाड़ी में परिणत कर। विद्यालय स्तर में शिक्षादान उद्देश्य अंगनवाड़ी कर्मी को शैक्षिक साधन व्यक्ति तालीम दिया। जनजाति छात्र छात्री पाखे पहुंचब पाठागार से लाइब्रेरी ऑन व्हील कार्यक्रम आरंभ करे सरकार। अत्याधुनिक एवं उन्नत मानर शिक्षादान सरकारी विद्यालय रे एआई रहिब व्यवहार। मेरी सरकार का लक्ष्य 2027 तक उड़ीसा में 25 लाख लखपति दीदी बनाना। मेरी सरकार निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से 1.5 लाख रिक्त सरकारी पदों पर भर्ती सुनिश्चित करेगी। शैक्षणिक संसाधनों एवं पुस्तकालयों तक आदिवासी छात्रों की पहुंच बढ़ाने के लिए लाइब्रेरी ऑन व्हील्स की शुरुआत की जाएगी। ओडिशा वासी को मिलिबो उन्नत मानर स्वास्थ्य सेवा। सारा राज्य रे 3000 नुआ डाक्टर को दिया जिबो नियुक्ति। जिला डाक्टरखाना रे स्त्री रोग शिशु रोग विशेषज्ञ एवं नर्स को आवश्यकता को सुनिश्चित करा जिबो। उपकेंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नाम परिवर्तन करा जाई आरोग्य मंदिर करा जिबो। प्रति सीएचसी रे गोटे लेखाएं भ्राम्यमण चिकित्सा यूनिट रहिब। 2030 सुधा ओडिशा को मलेरिया मुक्त करिबा पई लक्ष्य रखिछन्ति सरकार। नुवा क्रीडा नीति आसिब। क्रीडाविद को प्रशिक्षण दिया जिबा पई क्रीडा एकेडमी और नर्सरी प्रतिष्ठा करा जिबो। धामरा, पारादीप और गोपालपुर बंदर आखपाख अंचल रे नूतन शिल्पांचल विकास हेब। मेरी सरकार राज्य में संभावित स्थानों पर क्षेत्र विशिष्ट औद्योगिक पार्क जैसे टेक्सटाइल पार्क, फूड पार्क और आईटी पार्क स्थापित करेगी। घामरा, पारादीप और गोपालपुर में 15 गांवों के आसपास नई औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। राष्ट्रीय उद्यानों और अभयार को जोड़कर एक वन्य जीव पर्यटन सर्किट भी बनाया जाएगा। समुद्र तट पर्यटन को बढ़ाने के लिए मेरी सरकार सभी समुद्र तटों को जोड़ते हुए एक तटीय सर्किट स्थापित करेगी। ओडिया चलचित्र शिल्प को चलचंचल करा जिबो। 2 वर्ष मध्यरे 65,000 सरकारी पदवी पूरण करा जिबो। ओडिशा हस्तशिल्प डिजाइन बैंक प्रतिष्ठा करा जिबो। हस्तशिल्प उत्पाद को ब्रांड भाबरे परिचित करा जिबो। शिल्प क्षेत्र रे 2029 सुधा 3,50,000 रु अधिक युवक युवती को नियुक्ति दिया जिबा पई रहिछि लक्ष्य। अनुसूचित अंचल पंचायत संप्रसारण करबा पई पेशा आईन को कार्यकारी करबे सरकार। कैमरा पर्सन सनातन बेहरा दिव्यज्योति महांती और प्रदीप्त महापात्र रिपोर्ट अर्गस न्यूज।
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।